अब एक क्वेश्चन हम लोग सोचते हैं कि ये जो मेल सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं इनका सिक्रीशन एसिडिक है कि अल्कलाइन है, तो आप एकदम सिंपली याद रखिए तीनों जो ग्लैंड्स हैं, माइनल वेस्किल हैं, प्रोस्टेट हैं, कॉपर्स ग्लैंड हैं, तीनों का सिक्रीशन एल्कलाइन होता है। दूसरा आप याद रखिए कि जो करेक्टरिस्टिक स्मेल और जो करेक्टरिस्टिक कलर है सीमेन का, उसका क्रेडिट किसे जाता है, किसके सिक्रीशन को एक रीजन मानते हैं कि ये इसका सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल है सीमेन के करेक्टरिस्टिक कलर और स्मेल के लिए। तो आप याद रखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। और अब हम लोग यहाँ पे आएंगे यूरेथ्रा पे, थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग मैटर को। तो आप जैसा जानते हैं कि यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मेल यूरेथ्रा, और इसका जो इनिशियल 3 सेंटीमीटर एरिया है वो प्रोस्टेट से कवर्ड है। उसके बाद अनकवर्ड पोर्शन है 2 सेंटीमीटर का, जिसे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया। और 15 सेंटीमीटर अप्रोक्स जो यूरेथ्रा का लेंथ है पेनिस से कवर्ड है, तो ये पेनाइल यूरेथ्रा हो गया। अब यहाँ पे याद रखिए यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज रूट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के डिस्चार्ज के लिए और यूरिनेशन के लिए भी, यूरिन के फ्लो के लिए। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है मेल में। अब यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या कैसे रेगुलेशन होता है यहाँ पे। तो एक इनवॉलंटरी, आप याद रखिए यहाँ पे इनवॉलंटरी यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, जो जस्ट जो यूरेथ्रा की का बिगिनिंग पोर्शन है वहां पे ब्लैडर के नजदीक, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो इनवॉलंटरी नेचर का है, और एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में पाया जाता है। यहाँ पे आप गौर करेंगे दो स्फिंक्टर है यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल वॉल्व है ये इनवॉलंटरी है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वॉलंटरी है। यानी फाइनली जो यूरिनेशन है जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, इसके ओपन होने पे डिपेंड करता है एक्सटर्नल पे। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन है वो फाइनली वॉलंटरी होता है, एक इंडिविजुअल यूरिन को होल्ड कर सकता है टेम्पोरियरली। तो अब जरा हम आते हैं कि जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इसका जो ओपनिंग क्लोजर है वो कैसे रेगुलेट होता है। तो जानते हैं कि ये इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर है, और जितने भी इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स हैं स्मूथ मसल से बना हुआ है ये, जितने भी इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो अंडर कंट्रोल होंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो आप याद रखिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आप जानते हैं पारासिंपैथेटिक पार्ट है, तो और एक साथ में एकदम साथ रिलेट करके याद रखिए सिंपैथेटिक का सिक्रीशन आप जानते हैं एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, आल्सो नोन एज इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। सिंपैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, आप जानते हैं वो एड्रिनर्जिक कहलाते हैं, एड्रिनालिन रिलीज करते हैं। तो जो भी सिंपैथेटिक का एक्शन आप माइंड में नोट करेंगे या सिंपैथेटिक का जो भी एक्शन आप जानते हैं, तो आप मान के चले कि वो एड्रिनालिन एपिनेफ्रिन का इफेक्ट है। पारासिंपैथेटिक के जो भी एक्शंस होते हैं वो सब एसिटाइल कोलिन के वजह से होते हैं। पारासिंपैथेटिक के जो न्यूरॉन्स हैं वो रिलीज करते हैं ऑर्गन्स में एसिटाइल कोलिन, यानी इसका जो भी फंक्शन है वो समझ लीजिए एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को क्लोज करके रखता है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसे क्लोज करने के लिए, और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम इसे यूरेथ्रल स्फिंक्टर को इंटरनल को ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपैथेटिक इसे क्लोज याद कर लें, या एड्रेनालिन जो है वो इसे क्लोज रखता है, और एसिटाइल कोलिन और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम इसे ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम दूसरी तरफ ये डिस्कस करेंगे, इनका पोजीशन ध्यान हो गया, ये बिगनिंग ऑफ यूरेथ्रा में है ये, और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ओके, अब हम लोग का अगला मैटर होगा कि जो मेल सेक्सुअल एक्ट है, मेल सेक्सुअल एक्ट जिसमें 3 इवेंट्स होते हैं, तो मेल सेक्सुअल एक्ट में जो 3 इवेंट्स हैं वो हैं कौन कौन। तो सिक्वेंस वाइज वो है इरेक्शन, एंड इरेक्शन के बाद इमिशन,
एंड फाइनली इजैकुलेशन। तो इन पर हम डिस्कस करते हैं कि ये मेल सेक्सुअल एक्ट, इनका सेंस क्या है और इनका रेगुलेशन कैसे होता है।